नमस्कार, बीआरजे टीवी में कल ही आपका स्वागत है। हमारे तरफ से आपका भी स्वागत है। अभी हम विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत विक्रमगंज प्रखंड के जमुरी पंचायत के अंतर्गत जमुरी गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां हमारे एक मैजेटर सिंह चाचा जी हैं जो बहुत पहले से पथली और बवसीर का इलाज करते आ रहे हैं। अब कब से करते आ रहे हैं, उनकी प्रेरणा कैसे मिली, ये सारे बिंदु पर हम बात करके जानना चाहेंगे। तो अंकल जी आप बताइए कि इलाज कब से करते आ रहे हैं। करीबन पथरी का इलाज या बवसीर का इलाज हमको 3 साल हो गया, जो हम जब कानपुर में रेलवे में सर्विस करते थे वहीं से हमको प्रेरणा मिली और किसी गुरु से हमने शिक्षा लिया और उन्होंने शिक्षा जो है हमको सही दिया और उसको मैंने अजमाइश किया और जब मैंने प्रचार किया दवा देना तो उसको देखा कि हमारे पास रोगी जो है राइट होने लगे। फिर उसके बाद में हमने मन तन से उनको ग्रेंटेड के साथ इलाज शुरू किया पथरी और बवसीर, जो कि अभी तक हमारे पास कम से कम नहीं हो तो 417 गांवों का इलाज किया, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। अभी आ रहे हैं आदमी, लेडीज और जेंट्स दोनों आ रहे हैं। तो जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आप जो भी इलाज करते हैं तो अल्ट्रासाउंड के बिना देखे इलाज नहीं करते हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? सत्य यही है कि जब तक हमारे हाथ में अल्ट्रासाउंड आएगा नहीं हम उसको इलाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि अल्ट्रासाउंड देखिए कि हम दवा देते हैं, पीत में है, किडनी में पथरी है, कितना बड़ा है, कहाँ है, उसी हिसाब से दवा उसको देते हैं। किसी मान लीजिए लेडीज़ के पेट में गर्भ में बच्चा है 4 महीने 6 महीने का, उसको भी हमको देखना है, बचाना है, बच्चे को भी बचाना है और लेडीज़ को भी जिलाना है, क्योंकि गलत सलत बगैर अल्ट्रासाउंड देखे दवा देने से नुकसानी हो जाएगा। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड के साथ मंगाते हैं, अल्ट्रासाउंड देखिए कि दवा देते हैं और दवा लोग ले जाते हैं, बहुत आराम है उन लोगों को, बच्चे भी हमारे खुश रहते हैं जो पैदा होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना उनको नुकसान होता है। दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने कितने दूर से लोग आपके पास आते हैं? हमारे पास कम से कम आरा से